जब भी हम कम्युनिकेशन करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि क्या कहना है, मतलब शब्द। और यही शब्द पब्लिक स्पीकिंग का भी हिस्सा है। वेलकम टू ग्रो विद गिरिजा। पब्लिक स्पीकिंग की गाड़ी के चार पहिए हैं और पहला पहिया है वर्बल, यानी शब्दों से जुड़ा हुआ, और इसी के बारे में है आज का पार्ट। मजेदार बात यह है कि आप कम्युनिकेशन बिना कुछ कहे, बिना शब्दों के भी कर सकते हैं, और उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पर पब्लिक स्पीकिंग में तो शब्द इस्तेमाल करने ही होंगे, और ये शब्द कंटेंट का हिस्सा है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपने सुना होगा कि कंटेंट इज किंग। अगर आपका कम्युनिकेशन एक डिश की तरह है तो कंटेंट है इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपकी फाइनल डिश के अच्छे बनने के ज्यादा चांसेस हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में कंटेंट के अंदर और क्या क्या है? एक है भाषा, यानी कि लैंग्वेज, जैसे कि इस वीडियो की भाषा हिंदी है। भाषा एक गाड़ी की तरह है, स्मूथ और मेंटेन तो आपकी राइड भी होगी स्मूथ। और है हास्य, यानी कि ह्यूमर, कहानी जो कि स्टोरीज हैं। प्रश्न यानी क्वेश्चन, और कोट वो है किसी और की कही हुई बात का उल्लेख करना या संदर्भ देना। और हाँ, अगर अपने आप के लिए और अपने ऑडियंस के लिए समझना करना है आसान तो स्ट्रक्चर का करो इस्तेमाल, क्योंकि स्ट्रक्चर से ना केवल मिलेगी क्लैरिटी बट आपको और आपकी ऑडियंस दोनों को याद रखने में रहेगी आसानी। एक इंटरेस्टिंग बात शब्दों के साथ ये है कि हम सोचते हैं कि शब्दों का मतलब केवल एक ही होता है, लेकिन ऑडियंस में हर कोई उस शब्द का मतलब अलग निकाल सकता है। कैसे? अब मान लीजिए कि आपने अपने ऑडियंस से कहा जाड़े का मौसम इमेजिन कीजिए, और आपकी ऑडियंस में कोई एक इंडिया से है और कोई कनाडा से। अब इन दोनों देशों में ठंड का मौसम बहुत अलग होता है, तो दोनों ही लोग उस मौसम को बहुत अलग तरह से इमेजिन करेंगे। तो याद रखिए कि शब्द का मतलब ऑडियंस के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो ये था आज का लेसन कि पब्लिक स्पीकिंग की गाड़ी का पहला पहिया है वर्बल। बाकी तीन पहियों की बात करेंगे आगे आने वाले लेसन्स में। कैसा लगा लेसन? पसंद आया तो बजाओ ताली, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, राइट? मुझे पता है कि आप सभी इस चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए लेसन के साथ इन ग्रो विद गिरिजा।